विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज। महाभोज उपन्यास जो उन्होंने लिखा था भारतीय राजनीति में। स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली। एक तरफ देश का विभाजन हुआ, दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये था। और एक तरफ जनता में बड़ा उल्लास था, बड़ी खुशी थी आज़ादी को पाने की। लेकिन हमारे नेता वो उससे भी कहीं कितनी ही तेज गति से उनका स्वभाव बदलता जा रहा था। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही थी, राजनीति बदलती जा रही थी, सब कुछ एक तरह से बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा था। राजनीतिक भावबोध, राजनीतिक युग चेतना, राजनीतिक चेतना से भरा हुआ ये उपन्यास लिखा गया, जिसका नाम रखा गया महाभोज। महाभोज उपन्यास की यदि विशेषता या उसकी समीक्षा की जाए तो सबसे पहले ये बात आती है कि महाभोज उपन्यास राजनीतिक भावबोध से भरा हुआ या राजनीतिक चेतना से भरा हुआ उपन्यास। हम कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक चेतना हमें दिखाई देती है। राजनीतिक चेतना से जो तात्पर्य है कि इस उपन्यास को पढ़ने से राजनीति के प्रति चेतना जागृत होती है। इस उपन्यास को पढ़ने से उसमें जो राजनीति का घिनौना रूप दिखाया गया है, जो अपने स्वार्थों के लिए नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जो अपने स्वार्थों के लिए गरीब जनता को जिंदा जला दिया जाता है, अपने स्वार्थों के लिए किसी को भी किसी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, अपने स्वार्थों के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो घिनौना रूप इस उपन्यास में दिखाया गया है। वो वास्तविक रूप, वो यथार्थ इस उपन्यास में दिखाया गया। वो चाहे हमारी राजनीति या हमारा जो हमारी सनातन सभ्यता है उसके अनुसार ना हो, लेकिन वो राजनीतिक चेतना जगाने वाला, एक तरह से चेतना लाने वाला पाठक वर्ग में ऐसा रूप इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। महाभोज उपन्यास में लेखिका मनु भंडारी जिस राजनीतिक चेतना को जगाना चाहती है, जो राजनीतिक चेतना वो लाना चाहती है, एक तरह से उसमें वो पूरी तरह से सफल भी रही है। दूसरी इसमें बात जाती है राजनीतिक बोध और चुनाव चक्र। इसमें हम देखते हैं कि जो उपचुनाव का एक दृश्य दिखाया गया है, उपचुनाव की बात इसमें की गई है, घटना उपचुनाव की डाली गई है कि उपचुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति जिसका नाम बिसु या विशेषर है, उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत को भी राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। उसकी मौत को भी दासाब और शुक्ल बाबू भुना लेना चाहते हैं वोटों के रूप में। तो किस तरह से उसकी मौत को लेकर बड़े बड़े बातें की जाती है, विधानसभा में भी उस चीज़ को उठाया जाता है, बार बार सरोहा गाँव के चक्कर लगाए जाते हैं लोगों को रिझाने के लिए कि कौन उनके वास्तविक हितेशी हैं और कौन नहीं है। इस बात को भी लोगों में जगह बनाने के लिए यही चीज़ बार बार दिखाई जाती है। तो चुनाव कहीं न कहीं इस उपन्यास का के केंद्र में रहा है। हम अपने आम जीवन में भी इस चीज़ को देखते हैं कि चुनाव में हर वो मुद्दे जो कभी हमारे सामने नहीं आए थे, चुनाव में एकदम से उभर कर सामने आते हैं। इसी तरह का एक मुद्दा है सरोहा गाँव में हरिजन लोगों की झोंपड़ी में लगी आग, जिसमें कुछ लोग जिंदा जल गए, उनका सामान जल गया, सब कुछ राख हो गया। दूसरी एक घटना बिसु की मौत। तो ठीक चुनाव के समय ही वो दोनों बातें सामने आती है, ठीक चुनाव के समय ही विधानसभा में भी वो बात उठाई जाती है, और अन्यथा उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं कि चुनाव के समय में जो किया जा रहा है, चुनाव आते ही सब नेताओं को वो याद आने लग जाते हैं, उनके वोट याद आने लग जाते हैं, या ये कहें कि जनता की याद उन्हें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वो जनता को भूल जाते हैं। आलोच्य उपन्यास में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जब चुनाव का बिगुल बजता है, चुनावी अभियान शुरू होता है, तो दास साहब और शुक्ल बाबू उन दोनों घटनाओं को लेकर सरोहा गाँव में जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। और चुनाव में जहां शुक्ल बाबू सीधा सीधा कह देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपके साथ हैं, और
वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब वो वोट की बात कहीं नहीं करते, लेकिन उनका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो सब इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं। तो इस तरह से इस चुनावी चक्र और राजनीति का बोध, वो दोनों इस उपन्यास के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगली जो इसमें बात आती है वो है सुविधा प्राप्त और सत्ता प्राप्ति की राजनीति। महाभोज उपन्यास में हम ये देखते हैं कि सुविधा प्राप्त करना और सत्ता सुख प्राप्त करना, इसके इर्द गिर्द भी कुछ लोगों का चरित्र उसमें घूमता रहता है। एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब और दूसरी तरफ प्रदेश में 10 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले सुकुल बाबू, और तीसरी तरफ उन दोनों ही पक्षों के उनके अपने अपने हितेशी जो हर तरह से उस चुनाव में खड़े होकर चुनाव जीतकर सुख और सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। सुकुल बाबू स्वयं चुनाव मैदान में है, वो चुनाव जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, अपने खोए हुए उस मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ दास साहब जिन्होंने अपने एक नौसिखिए चेले को टिकट दिलवाकर शुक्ल बाबू के सामने मैदान में उतारा है, वो अपने उस प्रत्याशी को जितवाकर अपनी मान और प्रतिष्ठा को और बढ़ा लेना चाहते। तीसरी तरफ लखन सिंह जो चुनाव लड़ रहा है दास साहब की कृपा से, वो उसकी सोच है कि वो जीत जाए, केवल एक बार जीत जाए, किसी भी तरह से विधानसभा पहुंच जाए, MLA बन जाए, फिर तो उसके ठाट ही ठाट। लेकिन उसकी औकात मात्र इतनी है कि वो केवल कुर्सियां साफ करे और सभा में बैठे लोगों को पानी पिलाए। लेकिन दास साहब की कृपा से उसे ये सौभाग्य मिला कि वो चुनाव की टिकट लेता है और चुनाव लड़ता है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के सामने। उसके मन में सुख प्राप्त करने की, सत्ता प्राप्त करने की प्रबल कामना दिखाई देती है। अगला जो इसका रूप है या अगला जो इसका विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है उपन्यास का, वो है घिनौना राजनीतिक जीवन। घिनौना राजनीतिक जीवन, इस उपन्यास के अंदर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार से केवल अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर तरह से दोनों ही व्यक्ति, चाहे वह दास साहब है चाहे शुक्ल बाबू है, हर तरह से प्रयास करते, लाशों पर भी राजनीति होती है। इस तरह से कि दास साहब को जब लगता है कि कहीं उनका उम्मीदवार हार न जाए, तो वह विशेषर की मौत के लिए, मौत की जांच के लिए SP सक्सेना को भेजता है, और SP सक्सेना जब सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं तभी वो उनको मुअत्तिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सच्चाई उजागर हो गई तो उनकी हार निश्चित है, और केवल जीत के लिए वो विशेषर के ही एक साथी बिंदा को इसमें अपने ही एक पुलिस के अफसर के द्वारा फंसवा देते। बिंदा के बयान होते हैं, लेकिन उसके बयानों को इस तरह से पेश किया जाता है कि अंत में वो सारा शक, सारी जो बातें हैं वो बिंदा के ही खिलाफ जाती है, बिंदा को पकड़ लिया जाता है। दास साहब इस तरह से पूरी तरह से खुद और उनके आदमी बच जाते हैं। तो ये घिनौना रूप है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी थोड़ी सी वाहवाही के लिए, अपने थोड़े से किसी काम निकालने के लिए, किसी थोड़े से मतलब हल के लिए, किस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी केस में किसी भी तरह से फंसा देते हैं। ये है राजनीति का जो घिनौना रूप है वो हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस उपन्यास का अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राजनीति और शिल्प संयोजन। राजनीति और शिल्प संयोजन, राजनीति और शिल्प संयोजन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि लेखिका अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रही है कि राजनीति के अनुसार ही इस
उपन्यास का शिल्प संयोजन किया गया है। जैसा राजनीतिक उपन्यास शिल्प किसी उपन्यास के शिल्प की मांग करती है, ठीक वैसा ही शिल्प संयोजन इसके अंदर किया गया है। इसमें कहीं भी हमें ये नहीं लगता कि इसके शिल्प का कोई भी पक्ष है वो ढीला है, कहीं से भी इसके तार ढीले नहीं, उसमें पूरा कसाव हमें दिखाई देता है। उपन्यास का शिल्प है वो राजनीतिक उपन्यास के बिल्कुल अनुसार है, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं देती। इस तरह से ये पांच चीज़ें कि राजनीतिक भावबोध और राजनीतिक चेतना, राजनीतिक बोध और चुनाव चक्र, सुविधा प्राप्त और सत्ता प्राप्ति की राजनीति, घिनौना राजनीतिक जीवन, राजनीति और शिल्प संयोजन, ये पांच इसके महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखाई देते हैं। यदि भाषागत विशेषता की बात की जाए उपन्यास की भाषागत विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है वो है तत्सम शब्दावली। तत्सम शब्दावली उपन्यास के अंदर हम ये पाते हैं कि लेखिका ने यथासंभव जहाँ उचित हो वहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। सौम्यता, भव्य, वर्ण, संयम, आहार, विहार, दृष्टि, विकृत, आत्मग्लानी, धैर्य, ये सब तरह के तत्सम शब्द और ऐसे ही अनेक ढेरों तत्सम शब्द इस उपन्यास में भरे पड़े हैं। तत्सम शब्दों की जहाँ आवश्यकता हुई, जिन पात्रों के लिए उन तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिन पात्रों के मुख से इनको दिखाया जाना चाहिए, वो सारे ही तत्सम शब्द या उन सब स्थानों पे, सब घटनाओं में, सब जगह पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग लेखिका ने पूरे उचित ढंग से किया है। शब्दावली है वो तत्सम शब्दों से युक्त है। दूसरी जो विशेषता है वो है उर्दू शब्दावली। उर्दू शब्दावली उपन्यास की शब्दावली है वो तत्सम शब्दावली के साथ उर्दू शब्दावली प्रधान भी है। हम ये देखते हैं कि तत्सम शब्द तो उपन्यास में हमें मिलते ही हैं, इसके साथ साथ उर्दू के शब्द भी हमें बहुत आयत से मिल जाते हैं, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी की एक बड़ी विशेषता है कि उसमें तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, उर्दू और कुछ अन्य देशज और विदेशी शब्द भी इसके अंदर प्रमुखता से आए हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे आम बोलचाल में काम में आते हैं या हिंदी में इस कदर घुल मिल गए हैं कि अब उन्हें हिंदी से दूर नहीं किया जा सकता या उनसे परहेज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही बहुत से शब्द हैं वो हमें इस उपन्यास में देखने को मिल सकते हैं, जैसे लावारिश, लाश, मुश्किल, बेअसर, खलबली, सरहद, राख, आदमी, खबर इत्यादि। ये तो मात्र कुछ उदाहरण है, इसके अतिरिक्त अनेक शब्द हैं जो इस उपन्यास में आए हैं वो उर्दू के शब्द हैं और इसका प्रयोग इसमें हुआ है, और इनका प्रयोग करने के बावजूद कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि लेखिका की भाषा है वो इन शब्दों के कारण, उर्दू के शब्दों के कारण दुरूहता प्राप्त करती है या उसमें यह उपन्यास है हिंदी का न होकर किसी अन्य भाषा का लगने लगे। नहीं, जहाँ भी लेखिका ने इनका प्रयोग किया है वो बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग किया है, क्योंकि ये शब्द है वो इस कदर हिंदी में मिल चुके हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करके हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। तीसरी जो इसकी एक विशेषता है वो है अंग्रेजी शब्दावली। अंग्रेजी शब्दावली, अंग्रेजी शब्दावली की अगर बात करें, चूंकि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि हमारा देश लगभग 150 से 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और ऐसे में ये स्वाभाविक है कि उनकी भाषा हमारी भाषा में मिल जाए। हम आज भी अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं कि हमें शायद कुछ शब्दों का तो स्वयं को ही ना पता हो कि वो वास्तव में अंग्रेजी के हैं या हिंदी के हैं। तो
ऐसे अनेक शब्द हमारी भाषा की जरूरत है, हमारे उन वाक्यों की जरूरत है, उन वाक्यों की परिस्थितियों की जरूरत है कि उनके बिना वो वाक्य हमें एक तरह से अधूरा सा लगता है। बड़ा अटपटापन उन वाक्यों में कभी कभी हमें लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम साधारण बोलचाल की भाषा में अपनी बात को कहते हैं तो उन शब्दों को रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही कुछ अंग्रेजी के शब्द। इसके साथ ही उस जिस भाषा का प्रयोग, जिस परिस्थिति का, जिस विषय का चुनाव लेखिका ने किया है उसके अनुसार भी कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो गया। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने बड़े ही सहज ढंग से अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे ड्यूटी, हॉरिबल, सिंपली, सस्पेंड, सीट, पार्टी, डायरी, फाइल, फोन, कार्ड, पेन इत्यादि, जो कि साधारण बोलचाल में भी जिनका प्रयोग बड़े आराम से किया जा सकता है और हर भारतीय, चाहे वह अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, वो इन शब्दों को बड़े आराम से समझता है। इसके कारण उसे कहीं नहीं लगता कि वो किसी विदेशी भाषा के शब्दों को बोल रहा है, किसी विदेशी भाषा के शब्दों को सुन रहा है, ऐसा उसे कहीं भी नहीं लगता है। तो इस तरह से उसके लिए बड़े ही आसान ये चीज़ है और जिसका प्रयोग भी लेखिका ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया है। अगली इसकी विशेषता है मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति, इनका प्रयोग भी इसमें किया गया है आलोच्य उपन्यास के अंदर लोकोक्ति मुहावरों। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के लिए उसकी जो अपनी एक प्रकृति है उसके अनुसार कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ, उनका प्रयोग अगर उसमें न किया जाए तो भाषा में सजीवता नहीं आती है। और वही सजीवता लाने के लिए लेखिका ने भी जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुभव की वहाँ वहाँ मुहावरों का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया। चकनाचूर होना, 9-2-11 होना, सांप सूंघना, आग लगना, मुँह की खाना, ये इत्यादि जो साधारण से मुहावरे हैं जिनको आमतौर पे प्रयोग में लाया जाता है, वही मुहावरे लेखिका ने भी प्रयोग में किए। और इन मुहावरों से हम देखते हैं कि उपन्यास की भाषा बड़ी सहज बन पड़ी है, बड़ी सरल, और उसमें एक रोचकता, एक सजीवता, एक जीवटता आ गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस उपन्यास की कि इसमें मुहावरों का प्रयोग बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है, सटीक तरीके से किया गया है, और वो भी उन मुहावरों का प्रयोग जिनका प्रयोग हम अक्सर कई बार आम जीवन में भी कर लेते हैं। अगली इसकी विशेषता है भावानुकूल भाषा। भाषा जो है वो भावानुकूल, इसकी भाषा भावों के अनुकूल है। जैसे भाव जहाँ पर व्यक्त किए जा रहे हैं, जैसी भावनाएं हैं, जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई है, उपन्यास की भाषा है वो उसी तरह की है। उसमें उससे अलग विशेष अपनी तरफ से किसी तरह का कुछ भी कम या ज़्यादा करने की कोशिश लेखिका ने नहीं की। लेखिका के द्वारा उतना ही प्रयास किया गया है जितना उस भाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक था, और इस उद्देश्य में वह पूरी तरह से सफल भी रही है। इनकी भाषा शैली का जो अगली विशेषता है वो है पात्रानुकूल। भाषा जो है वो पात्रानुकूल। आलोच्य उपन्यास की भाषा है वो पात्रानुकूल है। जैसे पात्र हैं वैसी ही उनकी भाषा है। दास साहब जिनको एक गंभीर व्यक्ति बताया गया है तो उनकी जो भाषा है वो बड़ी ही गंभीर दिखाई गई, वैसी ही उनके अनुकूल, उनके स्तर की भाषा दिखाई। दूसरी तरफ बिशु, विशेषर के पिता के जब बयान हो रहे होते हैं उनकी भाषा है वो वैसी ही गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति की, बूढ़ा गरीब जिसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, जो गांव में जैसी उनकी भाषा बोली जाती है वैसी ही भाषा उसे बोलते हुए दिखाया गया। उसमें हिंदी नहीं है बल्कि जिस क्षेत्र का लेखिका ने वर्णन किया है उसी क्षेत्र विशेष की भाषा को लेखिका ने लिया है। इसी प्रकार चाहे लखन सिंह की भाषा है, चाहे सुकुल बाबू की भाषा है, चाहे दत्ता साहब की भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा, और वो भी उन पात्रों के अनुकूल। एक पत्रकार है तो उस पत्रकार के अनुकूल ही उसकी भाषा है। एक अनपढ़ या नौसिखिया नेता है लखन,
उसके अनुसार उसकी भाषा है। तो जैसे पात्र हैं वैसी भाषा ही उसी का प्रयोग लेखिका ने किया है। उसके बाद है सुक्ति प्रधान भाषा, इनकी भाषा है लेखिका की वो है सुक्ति प्रधान, सुक्ति के जैसी भाषा का प्रयोग लेखिका ने किया है। अनेक ऐसे वाक्य दास साहब को बोलते हुए उपन्यास में दिखाया गया है, जैसे कि वो किसी बड़े महाकवि या लेखक की सुक्तियाँ बोल रहे हैं। धन को देख के देखते ही अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। एक जगह स्कूल दास साहब कहते हैं धन को देखकर अविवेकी मत बनो। तो इस तरह की सुक्तिपरक भाषा का प्रयोग लेखिका ने यथास्थान यथासंभव बड़े योजनाबद्ध ढंग से किया है। अगली इनकी जो भाषा की विशेषता है वो है सपाट बयानी। सपाट बयानी इनकी उपन्यास की जो भाषा है वो सपाट बयानी, जो भी कुछ कहा जा रहा है विशेषतया हम ये देखते हैं कि दास साहब की जो भाषा है वो सपाट बयानी, एकदम से बड़े आराम से और बड़ी जल्दी से जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं जो वो कह देते हैं, सपाट बयान है, उसमें किसी तरह की कोई किंतु परंतु कुछ भी ऊंचा नीचा या ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, एक बिल्कुल बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी बात स्पष्ट तरीके से कह देते हैं। इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख पात्रों में दास साहब जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री, दत्ता साहब मशाल अखबार के पत्रकार, लाखन जो उपचुनाव में दास साहब की पार्टी का उम्मीदवार है, और कुछ गौण पात्र भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। लेकिन चरित्र चित्रण की जहाँ तक बात की जाए तो हम ये देखें कि जो दास साहब का चरित्र चित्रण है, दास साहब का चरित्र चित्रण वो सबसे मजबूत और सबसे अच्छा है। उनके चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दास साहब है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि वो देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अपने स्वभाव से अपने व्यवहार से वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिसका ध्यान वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी बात को किसी भी चीज़ को वो बड़े ध्यान से बड़े मन से बड़े एकाग्र होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने की वो कोशिश करते हैं। तो मुख्यमंत्री होने के नाते वो महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं, बल्कि उनमें जो अन्य जो दूसरी विशेषताएं हैं कि उनमें सौम्यता है, गंभीर व्यक्तित्व है, भाव भरे वे व्यक्ति है, वो सादगीपूर्ण उनका जीवन है, प्रियजनों के निकट रहने वाले हैं, स्वतंत्रता प्रिय हैं, धीरेशील हैं, तो अनेक विशेषताएं उनके अंदर और भी हैं, उन विशेषताओं के कारण भी वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता है कि वो एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दूसरी उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो गंभीर व्यक्तित्व के धनी है, गंभीर व्यक्तित्व के धनी दास साहब है वो गंभीर व्यक्तित्व के धनी है। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। कोई भी विशेष चिंतन वाला सोचने वाला विषय है तो उनकी आंखें आसमान की ओर है और वो गंभीरता उनके चेहरे पर दिखाई देती है। एक साधारण व्यक्ति जो थोड़ी सी चिंता होने पर उस चिंता के बादल उसके चेहरे पर उसकी आंखों पे उसके माथे पे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन दास साहब के साथ ऐसा नहीं है। कितनी गंभीर से गंभीर बात हो लेकिन वो उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक अलग खास विशेषता है। अगले उनकी विशेषता है सौम्य स्वभाव। सौम्य स्वभाव कि उनका स्वभाव है वो बड़ा सौम्य है, सुंदर सा उनका स्वभाव है, शीतलता उनके अंदर है, वो क्रोध किसी बात का नहीं करते।
सबसे जिससे भी मिलते हैं उनकी बात का बड़ा छोटा सुंदर और संक्षिप्त सा उत्तर देते हैं। कई बार तो वो हूँ हाँ कहकर ही अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। अगली उनकी जो चरित्र की विशेषता है वो है धैर्यशील। धैर्यशील कि विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी वो धैर्य नहीं खोते हैं। एक आम आदमी जो थोड़ी सी मुश्किल आने पर अपना धैर्य खो देता है, अपना आपा खो देता है, क्रोध में आ जाता है, अविवेकी हो जाता है, विवेक उसका काम नहीं करता है, किमकृत्य विमूढ़ दिखाई देने लगता है कि अब क्या करे और क्या ना करे। लेकिन ये सब चीज़ों से ऊपर दासा धैर्य उनकी बड़ी शक्ति है। धीरज रखते हैं हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, चाहे वह सरोहा गांव की घटना हो, चाहे शुक्ल बाबू का भाषण हो, और चाहे लाखन के द्वारा कुछ भी कहा गया हो, चाहे लोचन भैया के द्वारा बगावत के स्वर उठाए गए हों, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, लेकिन धैर्य उनकी मुट्ठी में रहता है। अगली उनकी विशेषता है सादगीपूर्ण जीवन। सादगीपूर्ण जीवन, उनके जीवन की विशेषता यह है कि उनका जीवन सादा है। सादा जीवन, उच्च विचार में ही वो भरोसा करते हैं। उनका जो घर है, उनका स्वयं का कमरा है, वो बड़ा ही सादा है, साधारण है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। एक कमरा जिसके अंदर एक तरफ गद्दे बिछाए गए हैं फर्श के ऊपर, सफ़ेद चादर और तकिया, जो कि सादगी का भारतीय परंपरा का की निशानी है। तो सादा और साधारण सा जीवन वो व्यतीत करते हैं। ये अवश्य हम देखते हैं उपन्यास में कि उनके जो बच्चे हैं वो विदेशी जीवन शैली अपना रहे हैं, लेकिन वो स्वयं इस तरह की कोई जीवन शैली नहीं अपनाते। उनके चरित्र की एक और विशेषता है अनुशासन प्रिय। अनुशासन प्रिय कि जीवन में उन्हें अनुशासन बहुत प्रिय है, और इसी अनुशासन के कारण ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया। अनुशासन के कारण ही वो सबको बांध कर एक साथ लाने में सक्षम हो सके हैं, और अनुशासन के बल पर ही वो अपनी सरकार को कायम रख सके हैं। इसके अतिरिक्त उनके चरित्र में कुछ और दूसरी विशेषता भी हम देख सकते हैं, जैसे समता से युक्त है, सतर्क चिंतन है, अविचलित मन मस्तिष्क है, अनुशासन का बात हम पहले कर चुके हैं, सिद्धांत प्रिय है। तो ये सारी विशेषताएं उनके चरित्र में हमें देखने को मिलती है। और विद्यार्थियों, इसी तरह से जो दूसरे अन्य इसके पात्र हैं उपन्यास के, उनका चरित्र चित्रण भी किया जा सकता है। चरित्र चित्रण के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी ये होती है कि जिस भी पाठक का चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं, वो अगर पाठक उस उपन्यास, उस कहानी, उस गद्य विधा में यदि अच्छा चरित्र है, उसका नायक है, तो हम उसके चरित्र की अच्छी बातों को रेखांकित करें, और वो यदि उसका खलनायक है तो हम उसके चरित्र की में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को रेखांकित करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस बुरा चरित्र जो दिखाया गया है उसमें भी कोई एकाध अच्छी विशेषता हो तो उसको हम लेकर चलें। तो उनके बारे में जो भी, उनके आचार व्यवहार के बारे में जो भी हमें उस ग्रंथ में, उस रचना में देखने को मिल रहा है, उसी के अनुसार हम उसका चरित्र चित्रण करें। और इस उपन्यास में भी इस तरह से दूसरे जो उपन्यास जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण किया जा सकता है। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कहानी साहित्य का इतिहास।